नमस्कार, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं नेहा। आइए जानते हैं गुरु जी के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के बारे में लोगों की क्या सोच थी, आज भी क्या सोच है। आइए जानते हैं लोगों के बीच जाकर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा गुड्डी हिंसा। हाँ जी, कब से जुड़े हैं आप? 2014 से। 27 साल से जुड़ रहे हैं। 27 साल से जी। तो क्या मिला है आपको 27 साल से वहाँ से जुड़कर? बहुत कुछ मिला है। मेरे पति इतने शराब पीते थे ना, इतनी पीते थे कि नाली में पड़े रहते थे, और जैसे हमने नाम लिया हमारा घर स्वर्ग से भी बदकर बन गया। इतने अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने तीन मेरे दामाद हैं जब से मैंने नाम लिया, तीनों जुवाइयों ने भी नाम ले लिया, बेटी और परिवार तो ले ही रखा था। दो बेटे हैं, एक गुड़गांव जॉब कर रहा है, वो भी इस माँ शराब के कभी नेड़े ही नहीं गए। अगर मेरा घर वाला, अगर मेरे को गुरुजी ना मिलते तो मेरे तीनों दामाद और क्या मेरा परिवार पूरा नरक ही बना हुआ था। अगर वो मिले हैं तो हमारा घर आज स्वर्ग है। ना जमाई हाथ लगाते हैं, ना बेटियों ने तो लगाना ही क्या था। और जो मैंने, मेरे सतगुरु ने मुझे दिया, मैं तो ये कहती हूँ कि उनका मैं कुछ देन दे ही नहीं सकती। ये जन्म तो क्या, मैं 7 जन्मों तक भी उनका देना दे नहीं सकती। मेरा रोंग रोंग ऋणी है मेरे सतगुरु के। 6-7 घर जो परिवार के मेरे, मेरा पूरा परिवार, देवर दुरानी जितना भी मैंने नाम लिया, सारा परिवार नाम के साथ जुड़ गया। और आज हम इतने खुशी से जी रहे हैं कि पूछो मत। और बहुत कुछ दिया सतगुरु ने हमें। गुरु जी ने क्या सिखाया है आपको? हमारे को सिखाया है कि दूसरों का भला करना, दूसरों को अपने खुशी रोते हुए को हंसाना। और इतना कुछ उन्होंने कहा है कि भी अगर आप दाप पेट भर के खा रहे हो, पड़ोसी भूखा है, तो तुम्हारी करी हुई भक्ति खाक में मिल जाएगी। उनका पहले आप देखो, वही हम करते हैं। हम दूसरों का भला सोचते हैं, परिवार का भी बाद में नहीं। दूसरा कोई दुखी है तो उनका दुख हम समझते हैं। ये हमारे गुरु जी ने प्रेरणा हमें दी है। आप क्या सोचते हैं, समाज को ज़रूरत है गुरु जी? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ऐसा ही रहा ना तो आज छोटे छोटे बच्चे जो गलियों में फिरते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेटें पीते हैं, इतना गंदा उनका माहौल बना पड़ा है। अगर वो छोटे छोटे बच्चों को हम ले जाते, नाम दिलवाते, वो सतगुरु जी के साथ जुड़ते, बहुत अच्छा हमारा समाज होता। तो आज भी आपका विश्वास वैसा कि बहुत विश्वास है, बहुत अडोल विश्वास है। जितना भी हमारा परिवार है, 3 दामाद हैं, बेटियां हैं, देवर जेठ हैं, सारा परिवार हमारा, उससे भी ज़्यादा विश्वास हमारे सतगुरु पे है। आप क्या कहना चाहेंगे, समाज को कैसे ज़रूरत है, क्या गुरु जी को वापस आना चाहिए? आना चाहिए, नहीं तो ये देश तो बिल्कुल ही वो है कि नशे में डूबा हुआ है। अगर हमारे सतगुरु आ गए, समाज का बहुत सुधार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सुधार होएगा, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। गुरु जी क्या ऐसा देते हैं कि लोग नशा छोड़ने लग जाते हैं, इतने वेलफेयर वर्क्स करते हैं, क्या ऐसा, क्या ऐसा उनमें? हमने तो भगवान ही देखा है। हम तो ये सोचते हैं कि बस हमारे गुरु हमारे को मिले हैं, गुरु से बड़ा तो भगवान भी नहीं होता। और वो हमारे लिए, भगवान से भी बढ़कर हमारे गुरु हैं, जो हमारे को इतनी अच्छी शिक्षा दी है, नशे छुड़वाए हैं, और इतना कुछ हम खुशी से ज़िंदगी जी रहे हैं। और आज भी तय दिल से सतगुरु को कुछ देन दे नहीं सकते। एक जन्म तो क्या, हम 7 जन्म तक भी नहीं दे सकते सतगुरु का। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को, क्या गुरु जी को वापस आना चाहिए? यही हम कह सकते हैं कि भी आप सच्चाई को समझो और देखो, और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ऐसा नहीं है कि सच्चाई की जीत नहीं होएगी, सच्चाई की जीत होएगी। और सरकार को भी ये देखना चाहिए कि सच क्या और झूठ क्या है। हमारे गुरु जी बहुत पवित्र हैं और पवित्र ही रहेंगे, चाहे कुछ भी दुनिया कहे। हम अपने सतगुरु, हमारे खुद के ऊपर विश्वास नहीं है जितना हमारे सतगुरु के ऊपर विश्वास है हमारे। तो देखिए आप, आज हमने क्या देखा, लोगों की क्या सोच थी गुरु जी के बारे में, और आज हम उनसे मिले हैं तो हमें क्या देखने को मिला है कि आज भी लोगों का विश्वास गुरु जी के ऊपर वैसे का वैसा ही है। गुरु जी ने कितने वेलफेयर वर्क्स सिखाए हैं ये आज हम लोगों के बीच मिलकर आज हमने देखा है। तो नमस्कार।